राधे राधे। आज आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा एक उपाय बताने जा रहा हूँ शुक्रदेव का। और शुक्रदेव के उपाय से आप अपने घर में रोगों से मुक्ति, आपके घर में प्यार, मोहब्बत, शांति, सुख सब बढ़ेगा। गाड़ी, बंगला, लग्जरी, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे असीम बरसेगी। ऐसा सिंपल, आसान सा आप लोगों के लिए उपाय लेके आया हूँ, बड़ा ही सुंदर। और आपको मैं समझाऊंगा भी किस चीज़ से आप क्या चीज़ ठीक कर सकते हैं, किस उपाय से, किस चीज़ को गाय को खिलाने से आपको आराम आएगा। गौ माता, अगर हमारे शास्त्रों में पढ़ा जाए, गौ माता में हजारों देवी देवता वास करते हैं। गौ माता हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है, पवित्र है। कान्हा जी भी गौ माता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गौ माता हमारे लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है। और मैंने लोगों को आजकल देखा है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग आजकल गौ माता को रोटी, सब्जी और फल फ्रूट सब खिला रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। गौ माता साक्षात शुक्र का रूप है और शुक्र माँ लक्ष्मी है। शुक्र हमारी स्किन है, हमारा जीवन का ओज है, हमारा विरह है। शुक्र लग्जरी का कारक है। शुक्र सुंदर सुंदर कपड़े, है ना, जब पैसा होगा तभी तो सुंदर कपड़े पहनेंगे। और पैसा होते सोते भी कई लोग सुंदर नहीं दिखते हैं, सुंदर नहीं बनते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, अच्छे बन के नहीं रहते हैं, गंदे बन के रहते हैं, उनका शुक्र खराब है भाई, है ना। तो शुक्र को अच्छा कीजिए, तैयार होके रहिए। तैयार होने का कब मन करेगा, जब आपका शुक्र अच्छा होगा। परफ्यूम लगा के रखिए। परफ्यूम कब लगाने का दिल करेगा, पाउडर कब लगाने का दिल करेगा, और जो मेरी प्यारी बहनें हैं उनका तैयार होने का कब मन करेगा, जब शुक्र अच्छा होगा। शुक्र हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा पति या पत्नी, वो कब आपको प्रेम करेंगे, जब आपका शुक्र अच्छा होगा, है ना। तो शुक्र अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा पहले तो आपको उपाय बताना चाहूँगा, शुक्र को घर में भी बैठ के आप ठीक कर सकते हैं। आपका हाथ की हथेली का ये वाला जो अंगूठे के नीचे वाला एक मोटा सा पोर्शन होगा, अगर ये आपका दबा हुआ है, पिलपिला सा है, तो आपका शुक्र कमज़ोर है भाई। इसको देसी घी से मालिश कीजिए, इस वाले पार्ट को, क्योंकि इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ आ जाएंगे बीच में तो ये मंगल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देसी घी अगर मंगल पे भी लगा लेंगे तो कोई घाटा नहीं होगा, शुक्र मंगल लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। तो ये जो पार्ट है आपका पूरा, ये वाला, ये आपका शुक्र है, इसको खूब मालिश कीजिए, खूब मालिश कीजिए देसी घी से, इससे आपका शुक्र बलि होगा। आज ही देखिएगा जरूर कि आपके यहाँ का पोर्शन कैसा है, पिलपिला तो नहीं है, दबा तो नहीं हुआ, अच्छा है कि नहीं है, उभरा हुआ है कि नहीं है। उभरा होगा तो शुक्र अच्छा है भाई। तो ये जरूर कीजिएगा, तो घर में बैठे हुए आप लोग कर सकते हैं। और अवश्य ही, और अवश्य ही माता रानी गौ माता को आपने क्या करना है, हरी मूंग की दाल रात को भिगो के आप खिला सकते हैं। ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इससे आपका क्या क्या ठीक हो सकता है। हरी मूंग की दाल आपने रात को भिगो के सुबह गौ माता को खिलानी है। इनसे आपके बुध देव और शुक्र देव अच्छे हो जाएंगे। बुध जब अच्छा होता है तो आपका बिजनेस चलने लग जाता है, आपकी बुद्धि चलने लग जाती है, आपकी बहन बेटी को कोई दिक्कत आ रही होती है वो ठीक हो जाती है, आपके दांतों में कोई समस्या आ रही है वो ठीक हो जाती है, आपकी नसों में कोई समस्या आती है तो वो ठीक हो जाती है। और शुक्र ठीक होने में तो आपको पता ही है, लग्जरी, पैसा, ऐशो आराम, नौकर, पति का सुख, पत्नी का सुख, स्किन सुंदर हो जाती है, चेहरे पे ग्लो आ जाता है, जीने का रस आने शुरू हो जाता है। और अगर आप
हरी सब्जियां खिलाते हैं तो शुक्र को शुक्र और बुध से मिलाते हैं, क्योंकि हरी सब्जियां बुध और शुक्र का मिलन है। इसमें आप पालक, खीरा, तोरी, घिया और पेठा, जैसे घर में खूब सारी बीमारियां चल रही हो, घर में आराम ना आ रहा हो, बीमारियों से दवाइयों के डब्बे पड़े हुए हों, डब्बे के डब्बे पड़े हुए हों घर में, तो आप पेठा खिलाइए गौ माता को पेठा खिलाइए। इससे आपके घर में बीमारियां दूर हो जाएंगी और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो भी, शुक्र और बुध भी ठीक होगा। पालक खिलाइए। हाँ, किंतु ध्यान रखना है आपने एक बात का, गौ माता को गुड़ कम से कम खिलाइए, ज़्यादा नहीं खिलाना है। कोशिश कीजिए ना खिलाएं गौ माता को गर्मियों में कम से कम। इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। गुड़ जो होता है वो सूर्य होता है, गर्म होता है, और अगर हम सूर्य की चीज़ शुक्र को खिलाएंगे तो आपका सूर्य शुक्र का मिलन हो जाएगा, और सूर्य शुक्र जब भी मिलते हैं तो क्या होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, पैसे का आगमन कम हो जाना, लग्जरी, पैसा, ऐशो आराम, हमारी चमक सब कुछ शिथिल पड़ जाती है। सूर्य शुक्र जिसका पत्रिका में दृष्टि संबंध बनाता है या साथ में बैठा होता है तो हम उसे कहते हैं दिन में एक मत होजिए, दिन में मिलन मत कीजिए। आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सूर्य आग है और शुक्र फूल है। अगर हम फूल को आग में डालेंगे तो क्या होगा, फूल जल जाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, कोई भी आपको ये एडवाइस करे कि भाई गाय को गुड़ खिला दीजिए, सर्दियों में देखिए, गर्मियों में मत खिलाइए, ज़्यादा मत खिलाइए, मैं तो यही कहूँगा मत खिलाइए। अगर आपको किसी ने बोला है तो सर्दियों में देख लीजिए, उससे थोड़ा हाजमा ठीक होता है, सर्दियाँ कड़कड़ाती, सर्दियों में आप खिला सकते हैं। गाय को जवार खिलाइए, जवार शुक्र, वाइट जवार, आह वाह, तो अवश्य ही कीजिए ये उपाय और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि, पैसा, नौकर चाकर, ऐशो आराम, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और पति पत्नी में प्रेम, चेहरे का चमक। आगे ऐसे ही आप लोगों को मिलता रहूँगा, ज्ञान बांटते रहेंगे, आपको छोटे छोटे से उपायों से आपको ठीक करने की कोशिश करता रहूँगा, ऐसे ही आपकी सेवा में रहूँगा। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। राधे राधे।